अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलेंडर की हम आउटपुट लगा सकते हैं। तो कैलेंडर के लिए हमने बात की थी कि हम फ्रंट एंड बैक, अगर हमारे पास कैलेंडर है तो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको एक काम ही करता हूँ कि इस फाइल को एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन करके दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। देखिए, ये हमारे पास कैलेंडर है और कैलेंडर का साइज़ क्या है, 8.3 और 5.8, और उसके अलावा ये 12 जो है ना, 12 पेजेस जो है ना हमारे एडजस्ट हैं इसके अंदर। तो ये 12 पेजेस के अंदर हमारे पास बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये फ्रंट बैक जो है हमारे सिक्स अप के अंदर जो है हमारा इसकी आउटपुट लग जाए, इसकी इम्पोजिशन लग जाए या इसका लेआउट लग जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने चेक कर लिया कि पेज का साइज और सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हम चलते हैं अपने कोडेक प्रैक्टिस की तरह। कोडेक प्रैक्टिस हमारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने प्लस किया और प्लस करके हम अपनी कैलेंडर को अपने पास ले आते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने एक सिंपल कैलेंडर बनाया है, इसलिए कि सिर्फ हमारी बात समझ में आ जाए। तो जब अमूमन नॉर्मली आप डेस्क कैलेंडर बनाते हैं तो तकरीबन वो 26 पेजेस का होता है। तो एक साइड पे इमेजेस आ रही होती हैं, साइड पे डेट्स आ रही होती हैं। तो मेरा मकसद क्या है कि हम अपनी बात को इसमें समझ जाएँ, और फिर चाहे जितनी भी पेजेस हों, आप बहुत मज़े से जो है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकें, अपना वक्त बचा सकें। तो हम चलते हैं अपने पेजेस की जानिब और हम इन पेजेस को इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेसन की लिस्ट में पेजेस के अंदर। और ये सब बता रहे हैं, एक्चुअली ये सब फोर कलर के जॉब्स हैं। प्रेसन में हम आए, इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा साइज़ क्या कहता है, 8.3 और 5.8। ठीक है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे चल के इनशाला आपको स्टेप एंड रिपीट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम ये करते हैं कि मैं चाहता हूँ तो 6 फ्रंट और 6 बैक हमारे लग जाएँ। तो 8.3, तो 16 यहाँ से अगर हमारे हो गए, और 5.8, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, कभी आपको समझ में ना आ रहा हो कितने आप किस अंदाज से आएंगे, तो इसका एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट है कि आप एक वाइड पेज लें, जैसे 25-36 मैंने ले लिया, और इसको सिर्फ आप सिंपल ये कीजिए कि एक पेज लिया हमने और यहाँ रख दिया। ठीक है, देखें अब बड़ी शीट पर हमें समझ में आ गया कि इस तरह से चल रहा है। हम इसके यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप एंड रिपीट। ये स्टेप एंड रिपीट इंशाल्लाह आगे जाकर आपको मुकम्मल डीपली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको समझाऊं। अभी सिर्फ इसमें हमने चेक ये किया कि स्टेप एंड रिपीट से हमें समझ में आ गया कि इतने पोर्शन के अंदर हमारा जो ना ये जॉब आ रहा है। अच्छा, हम यू भी लगा के देख सकते हैं, और किस तरह देख सकते हैं कि ये सिंपली मैंने यूज़ किया कि 6 अप 3 यू और 2 यू। तो देखिए, यू भी हो गया और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, हम रोटेट करके देख लेते हैं। तो अभी लेकिन मैंने देखना ये है कि मेरी किस शीट साइज के ऊपर ये आसानी से प्लेस हो रहा है। अच्छा जी, अब मैंने देखिए प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक तो अपना इम्पोजिशन लगाता हूँ। अच्छा, जब मैं इम्पोजिशन यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर मसला क्या आएगा, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि देखिए इसके अंदर सीरियल वाइज पेज नंबर नहीं चलना, हमने फ्रंट बैक अपनी सेटिंग करनी है, और कोई बाइंडिंग स्टाइल भी नहीं लगाना, सिर्फ नॉर्मल कटिंग स्टाइल है। तो उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक हम अपना मास्टर बना सकते हैं, और उस मास्टर के लिए हम कहते हैं एड फाइल प्लेस होल्डर। देखिए, ये प्लेस होल्डर क्या करता है कि आप प्लेस होल्डर को अपनी मर्जी से 8.3 और 5.8, ये हमारा जॉब साइज है प्लेस होल्डर, ये मैंने अपना एक ले लिया, उसको ओके किया। ओके करने के बाद देखिए, जिस तरीके से हमारा कैलेंडर का एक पेज बन जाएगा, पीडीएफ आ गई, इसी तरीके से प्लेस होल्डर आ गया। इस प्लेस होल्डर से फायदा ये होगा कि मैं अपना बड़े मजे से एक प्लानिंग या मास्टर बना सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा एक पेज है, ये इस तरह से लग जाए। अगेन इसी पेज को कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया और इसके बराबर में लग गया, फिर कॉपी एंड पेस्ट किया और उसको इसके बराबर में कर दिया, फिर मैंने क्या किया, अगेन इस तीनों को पकड़ा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और यहाँ लेके आ गया। ये देखिए, चलिए सेंटर से सिंगल लाइन हो गया है, कुछ स्पेसिंग का मसला आ रहा है, तो ये जॉब मेरा यहाँ आके सेट हो गया। अब यहाँ जी देखिए, ये तीनों के गैप और यहाँ सेंटर का गैप, तो ये भी या तो ये सब सिंगल लाइफ होना चाहिए या फिर ये सब डबल लाइफ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि कैलेंडर के साइड में वाइटनेस है, तो सिंगल लाइफ सही रहेगा। ये मेरा प्लेस होल्डर सेट हो गया, और यहाँ इनको फिर मैं थोड़ा सा गैप यहाँ से भी दे देता हूँ। देखिए, ये मेरा अपना प्लेस होल्डर सेट हो गया, मैंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ आया, और आने के बाद मैंने क्या किया कि इसको एक क्रॉप मार्क डिफाइन कर दिया, ये मेरे क्रॉप मार्क्स हैं, इसको 3 mm कर दिया, 3 mm मेरे क्रॉस मार्क्स आ गए, और आई थिंक ये बस ये काफ़ी है। अच्छा, अब हाँ,
काफी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें इसमें पेज नंबरिंग की सेटिंग करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज नंबर 1 जो है वो ये रहे, तो फिर पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा आपकी राइट साइड पे। टू पेज नंबर 2 जो है वो आ जाएगा राइट साइड पे। फिर मैं यूज़ करूँगा पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 के लिए मैं यूज़ करूँगा पेज नंबर 3, तो 4 यहाँ आ गया। फिर मेरा आ गया 5, तो 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 लिया, 9 यूज किया, 9 आ गया, और उसके बाद मेरा आ गया 11। तो देखिए ये मैंने क्या किया कि अपने प्लेस होल्डर की मदद से अपने जॉब को सेट कर लिया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या होगा, इसको यूज करने का सब बहुत अच्छा सिंपल तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे एज अ टेम्पलेट, और टेम्पलेट यूज करने के बाद हम ओके, और ये हमसे पूछेगा तो हम इसको कर देंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर के नाम से, कैल के नाम से मैंने एक फाइल रख दी, इस सबको मैंने बंद किया। बंद करने के बाद मैं आया अपने प्रेप्स के अंदर, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मैंने अपने कैलेंडर को इसके अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद मैं इसको कहता हूं कि मेरा जो कैलेंडर है, कैलेंडर ये कैलेंडर जो है यहां आ जाए। इस कैलेंडर को मैंने अपने पेज में प्लेस किया, पेजेस में, और यहां आने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद बोलता हूं कि ऑटो सेलेक्ट। जैसे ही मैं ऑटो सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा कि मेरे कैलेंडर को ऑटोमेटिकली उसी शीट पे प्लेस कर देगा जिस शीट पे मैंने अभी प्लान बनाया था। देखिए तो जैसे ही मैंने ये प्लेस किया तो इसने क्या किया, मैं यहाँ से अपनी आई ओपन कर लेता हूँ और मुझे दिखा दे, तो देखिए आपने इसने कितने अच्छे तरीके से पूरा कैलेंडर जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये फायदा होता है हमारे प्लेस होल्डर बनाने का, ये फायदा होता है हमारे, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई काम इम्पोजिशन से, पेजेस की कैलकुलेशन से, परफेक्ट बाउंड से, स्टडल स्टिच से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए मैन्युअली एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्लेस होल्डर कहाँ होता है। जॉब में आके हम प्लेस होल्डर अपने साइजेस के मुताबिक, तो इसमें हम अपने गैप्स, हेडर, फुटर ऑटोमेटिकली मैनुअली हम सेट कर सकते हैं, और ये बड़े बेहतरीन तरीके से आपका क्या बन जाता है, एक टेम्पलेट बन जाता है। अब ये टेम्पलेट जो आपकी बन गई, तो देखिए इसके अंदर कहीं अभी आपको इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी कि फ्रंट बैक में कोई एरर आए। तो आप सिंपल क्या कीजिए, अपना कलर बार लगा लीजिए, कटिंग मार्क्स इसमें लगे हुए थे सॉरी, और आप कलर बार इसमें यूज़ कर लीजिए, और उसके बाद इसके अंदर नीचे का स्लग यूज़ कर लीजिए, और इनके गैप्स को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, शीट को भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। शीट के लिए मैं नहीं कहूँगा ये प्लान सही था, ये सिर्फ मैं समझाना मकसद ये था कि कोई काम हम प्लेस होल्डर से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैलेंडर भी हमारा कवर हो गया, प्लेस होल्डर भी हमारा कवर हो गया, और टेम्पलेट भी हमारी कवर हो गई। लेकिन इंशाल्लाह टेम्पलेट की डिटेल मजीद आगे आपके पास आ रही है इंशाल्लाह। तो देखिए ये दो पेजेस हमारे आ गए, 1 और 2, ये प्रेसेंस हमारे आ गए, और इन प्रेसेंस से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड से हेडर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह प्रिंट होगा। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर सडल स्टेज में। अस्सलाम वालेकुम।